Students, today we are going to study a new chapter in moral education. Name of this chapter is Wolf Wolf. I am going to explain the story. Let's get started. Once there lived a boy in a village. He used to take his sheep for grazing. एक बार की बात है, विलेज में एक बॉय रहता था. उसके पास शीप थी और वो उन्हें ग्रेजिंग के लिए लेकर जाता था. He thought he could fool others by telling lies. और वो ये सोचता था कि वो सबको बेवकूफ बना सकता है झूठ बोलकर. One day he was sitting while his sheep were grazing. He decided to fool others for fun. एक दिन जब उसकी भेड़ यानी उसकी जो शीप थी वो चर रही थी, ग्रेजिंग कर रही थी, तो उसने डिसाइड किया दूसरे लोगों को बेवकूफ बनाने का. He suddenly started shouting, help, help, wolf, wolf. उसने अचानक से चिल्लाना शुरू किया और कहा, बचाओ बचाओ, wolf आ गया, यहाँ पर भेड़िया आ गया है. Everyone around heard his cries and came to help him. आसपास जो भी लोग थे उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी और वो help करने के लिए आए. They asked him, उन्होंने उससे कहा, boy से, where is the wolf? Has the wolf taken your sheep? कहाँ है वुल्फ, क्या वुल्फ तुम्हारी शीप ले गया? नो, सेड द बॉय एंड स्टार्टेड लाफिंग. तो बॉय ने कहा नहीं और वो हंसने लगा. देयर इज नो वुल्फ, आई फूल्ड यू, यहाँ पर कोई वुल्फ नहीं है, मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया. दे गॉट एंग्री एंड सैड, यू आर लायर. उन्होंने वो सब गुस्सा हो गए, वहां पर जो लोग थे वो गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि तुम लायर हो. एंड वेंट अवे, और वो लोग वहां से चले गए. The boy gathered his sheep and went home. Boy ने अपनी sheep को इकट्ठा किया और घर चला गया. A neighbor had already told his mother about what he did. एक neighbor ने, एक पड़ोसी ने उसकी इस हरकत के बारे में उसकी mother को बता दिया कि boy ने कैसे सभी को बेवकूफ बनाया, परेशान किया सब लोगों को. ये बात एक neighbor boy की mother को बता चुके थे. The mother was angry. मदर बहुत ज़्यादा गुस्से में थी. She asked his son, और उन्होंने अपने बेटे से कहा, Did you tell a lie today? क्या तुमने कुछ झूठ बोला था आज? No, said the boy. बॉय ने कहा नहीं. The villagers are trying to trap me, he said. उसने कहा कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला, villagers जो हैं वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. The mother said, I know you are lying. Someday you will be in trouble. मदर ने कहा, मैं जानती हूँ तुम झूठ बोल रहे हो और किसी दिन तुम बड़ी मुसीबत में फंसोगे. द बॉय डिड नॉट लिसन टू द मदर, और बॉय ने मदर की कोई बात नहीं सुनी. डेज वेंट बाय, दिन बीत गए. ही अगेन थॉट टू प्ले द सेम प्रैंक, उसने फिर वही प्रैंक यानी कि फिर वही जो उसने एक प्लानिंग करी थी सबको बेवकूफ़ बनाने की, वही फिर से करने का सोचा. He shouted, Wolf, Wolf, help, help. और वो फिर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, यहाँ पर wolf आ गया है. Some villagers did not pay attention while some took pity on him. तो कुछ villagers ने तो ध्यान नहीं दिया, पर कुछ ने दिया, कुछ जो है दया दिखाते हुए, kindness show करते हुए उसके पास गए. They reached there and found him laughing. और जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो boy हंस रहा है, खड़ा हुआ हंस रहा था. They were angry and went away. They told the boy, "One day you will be in trouble and no one will come to help you." The boy laughed. तो वो सारे जो लोग help करने आए थे उसकी, वो बहुत ही ज़्यादा, वो सारे villagers गुस्सा हो गए और उन्होंने boy से कहा, एक दिन तुम ज़रूर किसी बड़ी मुसीबत में फंसोगे और कोई तुम्हारी help करने नहीं आएगा. ये बात सुनकर भी boy हंसने लगा. Few months passed, कुछ महीने बीत गए. One day the boy was sitting on a branch of a tree while his sheep were grazing in the field. कुछ महीनों के बाद वैसा ही हुआ, boy जो है अपनी sheep को लेकर गया forest में और वो जो है grazing कर रही थी और जो boy था वो एक tree की branch पर बैठा हुआ था. Suddenly a wolf come from the forest nearby. एक wolf जो है जो फॉरेस्ट था वहाँ से एक वुल्फ निकल कर आया. द बॉय गॉट स्केयर्ड, और बॉय बहुत ज़्यादा डर गया. ही डिड नॉट नो वॉट टू डू, और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे.
उसने एक बार प्रैंक बनाया, सबको परेशान किया, फिर दूसरी बार भी उसने सबको परेशान किया, पर थर्ड टाइम जब तीसरी बार हुई तो वॉल्फ सच में आ गया था। ही शाउटेड, वॉल्फ वॉल्फ प्लीज़ हेल्प सेव माई शीप। वो चिल्लाया, वॉल्फ आ गया है, प्लीज़ कोई बचाओ मुझे, मेरी शीप्स को बचाओ। एवरीवन लिसन टू हिज वॉइस, नो वन बिलीव्ड हिम। सबने उसकी आवाज़ सुनी पर किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। दे थॉट ही वॉज अगेन ट्राइंग टू फूल देम, और उन्होंने सोचा कि ये हमें अब तीसरी बार भी बेवकूफ़ बना रहा है। द वॉल्फ टुक अवे टू ऑफ हिज शीप, और वॉल्फ उस बॉय की दो शीप ले गया। नाउ ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, बट इट वॉज टू लेट। अब उसे अपनी मिस्टेक, अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। मॉरल है, लाइंग पुट्स पर्सन इन डिफ़िकल्टी। झूठ बोलकर इंसान, कोई भी जो व्यक्ति झूठ बोलता है, वो झूठ बोलकर परेशानी में आ सकता है। तो आप कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिए।